नमस्कार सभी को। द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन अ स्टॉक इज टू फॉलो द ट्रेंड साइकिल ऑफ द सेक्टर। जैसे कि हम इस समय ऑटो सेक्टर लेते हैं, ऑटो सेक्टर का इस समय हर एक ऑटो कंपनीज का सेल्स डाउन है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जिसका व्यू 6 मंथ से लेकर 2 ईयर्स का है, वो इस समय सेक्टर नीचे है, सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब 6 महीने बाद जब कोविड ख़त्म होगा या फिर 2 साल के बाद जब सब ऑटो सेक्टर्स आउट परफॉर्म करेंगे, ऑटो कंपनीज आउट परफॉर्म करेगी, तब जाके वो सेल करेंगे, यानी हाई पे सेल करेंगे। जब एक पर्टिकुलर ऑटो सेक्टर में, एक पर्टिकुलर ऑटो कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं, तो उस ऑटो का, ऑटोमोबाइल कंपनी का जो ट्रेडिंग रेंज है वो भी हमें ऑब्जर्व करना है। ये देखना है कि वो ब्रेकडाउन होकर रिवर्सल हो चुका है या फिर भी अभी ब्रेकडाउन होना बाकी है। टेक्निकली अगर ब्रेकडाउन होकर रिवर्सल हो चुका है तो बाई कर लीजिए, अगर ब्रेकडाउन होकर रिवर्सल होना बाकी है टेक्निकली तो हमें डिप्स में बाई करना है। थोड़ा अभी बाई कीजिए, जब नीचे की तरफ और ब्रेकडाउन हो जाए तभी दूसरा बाई कीजिए। कभी भी अगर एक पर्टिकुलर सेक्टर इस समय जो अंडर परफॉर्म कर रहा है, एक चीज़ ध्यान रखिए, वो अगले 6 महीने या अगले 12 महीने में आउट परफॉर्म करने वाला ही है। तो रिमेंबर, डोंट डिले, इन्वेस्ट टुडे।